सो हाय गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्री सिस्टर। सो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहले हम एटॉमिक कपल के बारे में पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, आइसोमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थ्री डी मॉडल पढ़ चुके हैं एटम का, कार्बन का, मीथेन कंपाउंड, मीथेन कंपाउंड है उसका 3D मॉडल पढ़ चुके हैं। और बेसिक टॉपिक होते हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट रूल क्या आता है हमारा, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल करो, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करो। तो इसका ये होता है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके भरने के तरीके क्या होता है, जैसे मैंने कैसे याद करा इसे, S S P S P S D P S, और दोबारा से FDPS, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद करा, तो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप वो प्रिंसिपल ये कहता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करो, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करो। तो इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज़ करती है। तो इलेक्ट्रॉन हाँ फिल होंगे, पहले यहाँ पर फिल होंगे, फिर ऐसे करके भरते जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम लेता हूँ, तो कैल्शियम का लिख लेते पहले एस, लिख लेते हैं पहले एस एस पी एस पी एस, 2, 4, 6, 10, 2, 6 कितना बेटा 18 और 2, 20, ठीक है। सेकंड आप देखते हैं, सेकंड रूल कहता है हमारा पाउलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अपोजिट होगी, मतलब कि उन्होंने एक अगर एक की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगी तो एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसे दिखाएंगे इसको, पाउलीज प्रिंसिपल, एक अगर इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल बना दिया, अगर ये एस ऑर्बिटल है तो इसकी एक एनर्जी यहाँ पर होगी, एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो पाउलीज का प्रिंसिपल कहता है। फिर थर्ड आता है हमारा हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है कि अगर किसी कोई ऑर्बिटल है ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं अगर, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका क्या होगा, पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये सही मेथड, ये सही, तो कैसा सही होगा, ये सही है, ये भी सही है, ये करा के। तो पहले पेयरिंग करने से पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहता है। हम देखते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज अ रीजन
और स्पेस वेयर वन और टू इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, तो वन और टू क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्पेस है जहाँ पर एक या दो इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, और उसमें जो स्पिन होगा इसमें जो क्या होगा, इट कंटेन मैक्सिमम टू स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। तो हमें पता है कि जो हमें क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो किन से मिलके बने होंगे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिले होंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अगर वो मिलके बने हैं तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होंगे। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होंगे, तो एक क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा और दूसरा जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। जो कंस्ट्रक्टिव वाला होगा उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं और इसको कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या होता है, ये सेम फेज में होते हैं और ये क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1s का एक है इसको अगर मैं साई 1s कह दूं और इसको अगर मैं साई ये 1s है लेकिन अगर है तो अगर बॉन्डिंग में क्या होगा, इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, सर्कुलर शेप हो जाएगी, और ऐसा होता है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अगर ये साई फर्स्ट है और ये साई सेकंड है, मतलब 1s का ही साई है 1s के, अगर तो इसमें क्या होगा, 1s का तो 1s में हाँ 1s है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लोब जनरेट होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल जनरेट होगा और इसके बीच में क्या होगा, एक नोड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर एक स्पेस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, तो ये कि प्लेन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, बीच में एक ऐसा प्लेन आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो वो नोड होगा, सेकेंड नोड, और फिर वह दोबारा से इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये बॉन्डिंग का हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग का हो गया। तो डिफरेंस क्या होता है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को एक सिमेट्रिकल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रॉबिलिटी लगभग सेम होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, नोड होता आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इनका वेव फंक्शन बनाऊँ, अगर इसका वेव अगर ऐसी है और इसकी वेव अगर ऐसी है, तो जो इसकी ओवरऑल वेव आएगी वो कुछ इंक्रीज करके आएगी ऐसे। ठीक है, जबकि
एंटीमोनी में क्या होता है, इसकी वेव ऐसी होगी, एक वेव अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और अगर इनकी फ्रिक्वेंसी अगर बराबर हुई, वेव की जो फ्रिक्वेंसी जो ये किसका है, ये वेव है 1s की, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ होगी, सॉरी इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ होगी तो एम्पलीट्यूड है, इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ होगी, इसे अगर यहाँ पर कंबाइन कर दें, ऐसी इस वेव की कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, अगर इनकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर अगर एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो क्या होगा, कोई कुछ भी वेव जनरेट नहीं होगी, मतलब वेव कुछ ऐसे करके बनेगी, और यहाँ पर क्या हो, एक नोडल प्लेन बनेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये साई पॉजिटिव, ये साई नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक समझाऊँ, डायग्राम के थ्रू मॉलिक्यूल के, अगर ये मेरा एक साई फर्स्ट है, अगर ये मतलब 1s है, और इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, अगर सेम कंपाउंड है तो, सेम एटम है तो, दो मैंने पहले बताया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों की जो एनर्जी होगी वो दोनों की, एक की एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होती है उसे कहते हैं बॉन्डिंग, यहाँ पे स्टार ये कुछ नहीं है काट रखा मैंने, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसे कहते हैं बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करें, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, तो जब मॉलिक्यूलर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो इनकी जो एनर्जी होगी मतलब इसकी जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ऐसा होता है। इससे पहले हमने हवाओ प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका देख लिया था, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसको देखने, उसमें क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्ड 1s के एंटी बॉन्डिंग में फिल होगा, फिर एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2s के बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में, फिर एक px और py की एनर्जी बराबर होती है, और ये क्या होते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, फिर सिग्मा बॉन्ड जो z होता है, pz होता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर एंटी बॉन्डिंग px py और देन pz। ये कहाँ होता था कि वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल था, मतलब कि अगर देखें H2 के मॉलिक्यूल, HE के मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन कहाँ तक, H2 से लेकर HE ऐसे करके HE2 से लेकर कहाँ तक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तक, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए क्या होता है, मतलब सब सेम रहता है, बस जो यहाँ का जो 2pz था, यहाँ पर ये 2pz था, ये इससे आगे आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 2π2pz, सॉरी पाई नहीं है, सिग्मा है, ठीक है, तो ये सिग्मा हो जाएगा, ऊपर मैंने सिग्मा लिखा है, हाँ, तो ये है, ठीक है। तो सिग्मा ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए सिग्मा पहले आ जाएगा px py, बस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन फिल करें, अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहें हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नाइट्रोजन में, एक बार एक नाइट्रोजन में 7 है तो दो नाइट्रोजन में कितने जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, फिर आप हंसरू लगाएंगे 1, 2, 3, 4, पहले कितने हुए थे, 8, 8 और 12, 12 और 2, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब
अब इसको क्या होता है, इसमें एक चीज़ आती है, इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एन ए इज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो कितने इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने बजे, 4। तो टोटल यहाँ पे कितना के 6, सो 3। तो 3 जो होगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाता तो डबल बॉन्ड बनता, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता तो सिंगल बॉन्ड बनता। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ़ इसमें नोट करने वाली बात है, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 0 देन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है। सो गाइस, आज का टॉपिक लेक्चर ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू फील डैट दिस वीडियो इज़ गुड देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।